डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स होंगे ना, उनके जो डायमेंशन होंगे वो सेम होंगे, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कब? जब हमें वो फैक्टर्स पता हों जिनके ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी हमें ये जो टू फैक्टर्स हैं फोर्स और एरिया इनका पता है ना, तो हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला। तो ये कैसे वर्क करता है, इसमें उस फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन है ना वो लिख लेते हैं हम दोनों साइड्स, यानी एम एल और कैपिटल टी की टर्म्स में। फिर उनकी जो पावर्स होती हैं ना, यानी जब पावर्स होती हैं उनको कंपेयर करते हैं तो हमें इक्वेशंस मिलती हैं, क्लियर है। उन इक्वेशंस में जो पावर होती हैं ए बी सी, ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम, तो इससे हम ड्राइव कर लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। एक एग्जांपल देखते हैं हमें इसका। फर्स्ट एग्जांपल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कोई भी एक सिंपल पेंडुलम, उसका हमें टाइम पीरियड ड्राइव करना है, यानी उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वॉच में होता है, ठीक है, यानी एक स्ट्रिंग होती है, उसके नीचे एक स्मॉल बॉल होती है, यानी जिसको बॉब बोलते हैं, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है हमें। वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब यानी स्मॉल एम से डिनोट कर रखा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम स्मॉल एल से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ये मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉल टाइम पीरियड है यानी स्मॉल टी से डिनोट कर रखा है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी और जी रेज टू पावर सी। ए बी सी क्या है, यहाँ पे पावर्स हैं, ये जो क्वांटिटीज है ना तीन, कौन कौन सी, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनकी पावर्स हैं ए बी सी। अब देखो हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मिलता है हमें, उसको हमने के मान लिया, ठीक है, और ये जो के है ना इसके कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, क्लियर। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गई और जो राइट हैंड साइड मिल गई, इनके डायमेंशंस हम कंपेयर करेंगे किसकी टर्म में लिख के, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी की टर्म्स में लिख के। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त किस सिंबल का यूज़ करते हैं, कैपिटल टी का। तो यहाँ पे मास और लेंथ का कोई रोल नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे टाइम पीरियड के लिए, कैपिटल एम रेज टू पावर जीरो, एल रेज टू पावर जीरो और टी रेज टू पावर वन, क्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू। और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, के, के क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, स्मॉल एम यानी मास ऑफ बॉब, तो मास के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त, कैपिटल एम, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, स्मॉल ए। ऐसे ही क्या है, लेंथ यानी स्मॉल एल है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त क्या यूज़ करते हैं सिंबल, कैपिटल एल और इसकी पावर क्या है, बी। ऐसे ही जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल टी रेज टू पावर माइनस टू, ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या है, सी। अब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये जो टर्म आई है इसमें टू टाइम्स आया है एल, ठीक है, एक तो एल रेज टू पावर बी है और एक क्या है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है इसमें भी एल यूज़ हो रहा है। जब हम इस सी को अंदर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एल रेज टू पावर सी आ जाएगा और टी रेज टू पावर माइनस टू सी हो जाएगा, यानी एल एल यानी बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर साइड हो जाएंगी इस क्वांटिटी की। तो क्या मिल जाएगा हमें राइट हैंड साइड में, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर यानी एल टू टाइम्स है यहाँ पे, तो बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस सी यानी एल रेज टू पावर बी प्लस सी, और टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू सी। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म मिली है हमें पूरी और जो राइट हैंड साइड में मिली है इनकी जो पावर्स हैं इनको कंपेयर करेंगे, क्लियर। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स होंगी उनकी पावर या उनके डायमेंशन और जो राइट हैंड साइड में टर्म्स होंगे उनके डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए हमने इक्वल पुट कर दिया इनकी पावर्स को। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एम की पावर क्या है, जीरो,
और जो राइट हैंड साइड है उसमें m की पावर क्या है, a, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें l की पावर क्या है, 0, और जो राइट हैंड साइड है उसमें l की पावर क्या है, b प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही t की पावर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, और जो राइट हैंड साइड है उसमें t की पावर क्या है, माइनस 2c, तो यहाँ पे माइनस 2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। अब जो ये सेकंड इक्वेशन थी कौन सी, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। अब ये जो c की वैल्यू निकाली थी माइनस हाफ, यहाँ पे पुट कर देंगे, जो b इज इक्वल टू माइनस सी निकाला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक ऑलरेडी था और एक ये माइनस हाफ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हाफ हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल गई हमें क्या, प्लस हाफ। अब यहाँ पे ये जो a b c की वैल्यू हमने निकाल ली, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे किस में, ये जो हमने निकाली थी ना फोर्थ इक्वेशन है, t इज इक्वल टू के इंटू एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी और जी रेज टू पावर सी, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू के एम रेज टू पावर जी, क्योंकि a की पावर जी, ए की वैल्यू क्या ही है, 0। ऐसे ही l की पावर b था तो b की वैल्यू क्या ही है, हाफ, और है ना g की पावर क्या है, c, c की वैल्यू क्या ही है, माइनस हाफ। अब देखो g की पावर माइनस हाफ है, हमें पता है किसी भी क्वांटिटी की पावर माइनस में होती है तो उसको हम 1/2 में कर देते हैं तो क्या हो जाती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/g की पावर हाफ। अब देखो l की पावर भी हाफ है और इनटू में क्या है इसके, 1/g की पावर भी हाफ है, तो हम हाफ पावर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, तो इसका हमने ओवरऑल अंडर रूट ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, t इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल बाई जी, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। लेकिन अब हमारे पास एक टर्म और है यहाँ पे, क्या, k, जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट था। अब हमें इसकी वैल्यू इस मेथड से नहीं मिलेगी, हमें अनदर मेथड का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, क्या ही है k की वैल्यू, k इज इक्वल टू 2π, तो हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके और फैक्टर्स हमें पता ही थे जिनके ऊपर ये जो टाइम पीरियड है डिपेंड कर रहा था, तो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, क्लियर है। ऐसे ही हम किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, क्लियर। अब इस जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है जिसके हमने 3 यूजेस किए हैं, फर्स्ट यूज कौन सा था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ठीक है। सेकंड यूज कौन सा था, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और थर्ड यूज़ क्या था जो हमने आज किया है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब अगर इसके इतने फ़ायदे हैं, यूजेज हैं, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, यानी हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, अगर किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी फिजिकल इक्वेशन में अगर कोई डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट आ जाता है ना, तो ये उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब हमने जस्ट अभी जो एग्जांपल किया उसमें जो के आया था डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू हमें इस मेथड से नहीं पता चली, वो हमने किसी अनदर मेथड का यूज़ करके फाइंड आउट किया है, क्लियर है। ऐसे ही किसी भी फॉर्मूला में 1, 2, 3, π ऐसे ही कॉन्स्टेंट आ जाए ना, तो उनकी वैल्यू हमें इस मेथड से नहीं मिल सकती। सेकेंड क्या है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर इन तीन फैक्टर्स के अलावा, किन के अलावा, कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T बाय चांस आ जाए ना, तो उनकी वैल्यू हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लो करंट आ जाए किसी फॉर्मूला के अंदर, तो उसकी वैल्यू हमें इस मेथड से नहीं मिलेगी, ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड क्या है, किसी फॉर्मूला में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए ना, तो उनके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, यानी ये जो फॉर्मूला है उससे हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, क्लियर है उनके डायमेंशंस। फोर्थ यूज़ क्या है कि कोई भी फॉर्मूला है, ठीक है, ये उसके एग्जैक्ट फॉर्म नहीं देता। मान लो ये है एग्जाम्पल के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें क्या है, हाफ है, ठीक है, यानी ये कॉन्स्टेंट है, तो हमें एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिल सकती इस डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से, ठीक है। फिफ्थ क्या है, अब ये हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अगर आपको कुछ दिक्कत हो इसमें, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।